नमस्कार साथियों स्वागत है आपका बैंकर साथी चैनल में साथियों जे आई एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियोस आप बैंकर साथी चैनल पर देख सकते हैं वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक करें साथ ही शेयर करें हमारे सभी बैंकर साथियों के साथ जो जे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जे के पेपर थ्री के कुछ इंपॉर्टेंट एम सी ये सेट थ्री है सेट वन एंड टू ऑलरेडी मैं बनाकर अपलोड कर चुका हूँ तो शुरू करते हैं साथियों पहला क्वेश्चन है मॉडगेज इज़ डिफ़ाइंड अंडर तो मॉडगेज जो है उसको किस एक्ट के अंडर डिफाइन किया गया है चार ऑप्शन है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेल ऑफ गुड्स एक्ट ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट या डी है नन ऑफ दीज तो साथियों मॉडगेज जो है उसको डिफाइन किया गया है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में सी ऑप्शन इसका करेक्ट है कई तरह की मॉडगेज होती हैं और वो सभी जो है उनके बारे में ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में जिक्र किया गया है ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है पोजीशन इज़ विद द मॉडगेजी इन डैश फर्स्ट है कंडीशनल मॉडगेज सेकंड है यूसुफ्रक्चरी मॉडगेज थर्ड है इंग्लिश मॉडगेज तो मॉडगेज साथियों कई तरह की होती हैं कई टाइप की होती हैं कुछ कुछ मॉडगेज ऐसी होती हैं जिनमें जो पोजीशन रहता है वो मॉडगेजी के पास रहता है और कुछ मॉडगेज ऐसी हैं जिनमें पोजीशन जो है वो मॉडगेजर -er के पास रहता है हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा इंडिया में जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं वो आ, जैसे ई एम यूज़ करते हैं हम तो ई एम जब करते हैं उसमें जो पोजीशन रहता है वो मॉडगेजर -er के पास ही यानी कि जो कस्टमर है उसके पास ही पोजेशन रहता है बैंक के पास केवल उसके डीड रहती है पेपर्स रहते हैं अच्छा यहाँ पर पूछा है कि किन आ, मॉडगेज में पोजेसन जो है वो मॉडगेजी के पास रहेगा यानी कि मॉडगेजी कौन होगा जो लैंडर होगा उसके पास पोजेसन आ जाएगा तो ऐसी कौन सी हैं तो इनके जो एग्ज़ाम्पल हैं इनमें जो दे रखे हैं तीनों कंडीशनल मॉडगेज यूसु फ्रैक्चुरी मॉडगेज और इंग्लिश मॉडगेज तो इनमें से यूसु फ्रैक्चरी मॉडगेज और इंग्लिश मॉडगेज दोनों ही केसेस में जो पजेसन है वो मॉडगेजी के पास रहेगा तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है सेकेंड एंड थर्ड इसमें ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कलेक्टिंग बैंक गेट्स प्रोटेक्शन फॉर कलेक्शन कलेक्टिंग अ डिमांड ड्राफ्ट सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस अंडर सेक्शन ऑफ तो जब कलेक्टिंग बैंक है वो डिमांड ड्राफ्ट जब कलेक्ट कर रहा है कलेक्शन में आया है तो उसको आ, किन कंडीशंस में किस सेक्शन के अंडर जो है वो प्रोटेक्शन की बात नगोशियबल इंस्ट्रूमेंट में की गई है तो साथियों पहले हमें समझना होगा कि नगोशियबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो है वो जितने भी निगोशियबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी हैंडलिंग के बारे में उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उनके बारे में उसमें जानकारी है अब पेइंग बैंकर और कलेक्टिंग बैंकर दोनों के लिए कई तरह की इसमें प्रोटेक्शन की बात की गई है अलग अलग सेक्शंस में अब यहाँ बात हो रही है कलेक्टिंग बैंकर की तो कलेक्टिंग बैंक जो है वो जब कलेक्ट करेगा निगोशियबल इंस्ट्रूमेंट तो उसको क्या प्रोटेक्शन है स्पेशली यहाँ पे जो बात की गई है वो डिमांड ड्राफ्ट की बात की गई तो डिमांड ड्राफ्ट के जो प्रोटेक्शन मिलेगी कलेक्टिंग बैंकर को वो किस सेक्शन के अंडर मिलेगी तो साथियों जैसे यहाँ पे कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं क्योंकि इसमें ऑप्शन जो है 131 भी है और 131 ए भी है तो 131 ओवरऑल जो है वो कलेक्टिंग बैंकर के प्रोटेक्शन की बात करता है लेकिन अगर हम स्पेशली डिमांड ड्राफ्ट की बात करें तो डिमांड ड्राफ्ट का जिक्र जो किया गया है वो वन के ए में किया गया है 131 ए जो है वो स्पेशली डिमांड ड्राफ्ट के बारे में ही बात करता है तो ऑप्शन डी का करेक्ट होगा और अगर 131 ए इसमें नहीं है नहीं होता ऑप्शन में तो फिर हम 131 ही लगा के आते नेक्स्ट क्वेश्चन है इन केस ऑफ प्लेज द पजेशन एंड ओनरशिप ऑफ द गुड्स रिमेन्स बिथ तो जो प्लेज होता है प्लेज के केस में पजेशन और ओनरशिप किसके पास रहती है ऑप्शन हैं इसमें ए पजेशन विद द बैंक एंड ओनरशिप विद द बोरो बी पोजेशन विद द बोरो एंड ओनरशिप विद द बैंक सी पजेसन विद एंड ओनरशिप विद द बोरो डी है पजेसन एंड ओनरशिप विद द बैंक तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है यानी कि पजेसन तो बैंक का रहेगा कब्जे में किसके रहेगी बैंक के रहेगी वो गुड और लेकिन ओनरशिप किसकी होगी ओनरशिप जो होगी वो बोरोवर की होगी तो प्लेच के केस में ऐसा होता है पोजीशन बैंक के पास और ओनरशिप बोरो के पास ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द एक्नोलमेंट ऑफ डेप्ट बाय द बोरो इज फॉर पार्ट अमाउंट ओनली तो ऑप्शन है इसमें द लिमिटेशन इज एक्सटेंडेड फॉर द एंटायर लोन द लिमिटेशन इज एक्सटेंडेड फॉर दैट पोर्शन ऑफ द लोन थर्ड है द लिमिटेशन इज नॉट एक्सटेंडेड फॉर द लोन फोर्थ है सच मेथड ऑफ एक्सटेंशन ऑफ लिमिटेशन इज़ अनलॉफुल तो यहाँ पर बात की गई है साथियों अगर कोई बोरोवर है जैसे कि आप जानते होंगे कि जिसे हम कहते हैं बीसी लेटर बैलेंस कंफर्मेशन लेटर कहते हैं या अलग अलग नामों से अलग अलग बैंक में जाना जाता है वो तो बेसिकली जो एक्नोलिजमेंट डेप्ट की, की जाती है बोरोवर से साइन लेते हैं हम उस केस में यहाँ बात की जा रही है अगर कोई बोअवर है वो लिमिटेशन अगर उसकी एक्सपायर होने जा रही है और वो लिमिटेशन जो है वो एक्नोलिजमेंट जो डेप्ट का दिया है उसने वो पार्ट अमाउंट का दिया है फुल अमाउंट का नहीं दिया है तो उसकी लिमिटेशन जो है वो एक्सटेंड होगी या नहीं होगी एक्सटेंड होगी तो कितने अमाउंट के लिए होगी इंटायर अमाउंट के लिए होगी या फिर उतने ही अमाउंट के लिए होगी जितने की उसने एक्नोलिजमेंट दी है तो इसमें साथियों कुछ डाउट था मुझे भी तो मैंने इसको ढूंढा है तो इसमें ऑप्शन जो है वो ए करेक्ट है और बाकी आप भी इसको एक बार देख सकते हैं तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर द लिमिटेशन इज़ एक्सटेंडेड फॉर द इंटायर लोन यानी कि चाहे भले ही डेप्ट uh, जो है वो एक्नोलिजमेंट ऑफ जो है बोवर ने वो पार्ट अमाउंट के दी हो लेकिन लिमिटेशन जो एक्सटेंड होगी वो पूरे अमाउंट पूरे लोन अमाउंट के लिए एक्सटेंड होगी तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा द कंपनी रिलेटेड इश्यूज ऑफ द बैंकिंग कंपनीज आर रेगुलेटेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग तो जो आपने देखा होगा जो हमारे बैंकिंग जो कंपनीज हैं क्योंकि वो रजिस्टर्ड होती हैं कई सारी बैंकिंग कंपनीज जो हैं वो बैंकिंग जो जो बैंकिंग कंपनीज़ हैं वो रेगुलेट किसके द्वारा की जाएंगी तो उसमें स्पेशली यहाँ पर बात की गई है कौन से जो बैंकिंग रिलेटेड इश्यूज हैं उनके बारे में तो ए है अथॉरिटीज़ अंडर कंपनीज़ एक्ट बी है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया सी है सेंट्रल गवर्नमेंट डी है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी तो बैंकिंग कंपनीज़ जो हैं जैसे कि मैं अभी बता रहा था कि बैंकिंग कंपनीज़ ज़्यादातर जो हैं वो किसके अंडर रजिस्टर्ड हैं वो हैं कंपनीज़ एक्ट के अंडर तो क्योंकि वो कंपनीज़ एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड हैं तो कंपनीज़ से रिलेटेड जो उनके अफेयर्स हैं वो कौन रेगुलेट करेगा वो वही रेगुलेट करेगा जो कंपनीज एक्ट के अंदर जो अथॉरिटीज़ हैं दी हुई हैं वो उनको रेगुलेट करेंगी स्पेशली जो कंपनी रिलेटेड इशूज़ हैं अब बाकी इशूज़ के लिए तो आर है ही सेंट्रल गवर्नमेंट है ही उनको रेगुलेट करने के लिए तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा अथॉरिटीज़ अंडर कंपनीज़ एक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट इन द कंटेक्सट ऑफ लीज़ तो लीज़ के बारे में यहाँ पर चार पॉइंट दिए हुए हैं आपको बताना है कि कौन सा इसमें करेक्ट स्टेटमेंट है तो लीज़ का है ऑप्शन ए है द प्राइस इज कॉल्ड रेंट सेकेंड है द मनी पेड फॉर लीज इज़ कॉल्ड प्रीमियम थर्ड है द ट्रांसफरी इज कॉल्ड द लेसी डी है ऑल ऑफ दीज तो कौन सा इसमें सही है तो ए जो है एक ही बात एक एक करके देखते हैं द प्राइस इज़ कॉल्ड रेंट तो साथियों प्राइस इसको हम रेंट नहीं कहते हैं लीज़ के केस में उसको रेंट नहीं कहेंगे जो टेनेंसी की बात होती है जहाँ पर किराए पे दिया जाता है तो उसमें ज़रूर रेंट या जो भाड़ा जो होता है उसकी बात होती है बट लीज़ में ऐसा नहीं होता द मनी पेड फॉर लीज़ इज़ कॉल्ड प्रीमियम तो प्रीमियम भी उसको हम नहीं कहते हैं थर्ड है द ट्रांसफरी इज़ कॉल्ड द लेस्सी तो ट्रांसफरी जो है वो लेसी उसको हम कहते हैं यानी कि जो लेसी कौन हुआ लेसी हुआ किराएदार या फिर हिंदी में हम कहें तो वो किराएदार यानी कि जिसके जिसको वो प्रॉपर्टी दी गई है और जिसके द्वारा ट्रांसफ़र की गई है वो लेसर हो गया तो लेसी ट्रांसफ़री जो है जिसको ट्रांसफ़र की गई है उसको लेसी कहेंगे तो ये सही है ये इसका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा इफ़ अ बैंक हैज़ टू शिफ्ट शिफ्ट इट्स ब्रांच इन डैश एरिया इट रिक्वायर्स आर बी आई अंडर सेक्शन ट्वेंटी थ्री ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट तो ये है चार ऑप्शन है सेम डिस्ट्रिक्ट सेम सिटी सेम टाउन सेम विलेज तो साथियों जो सेक्शन ट्वेंटी थ्री है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का वो कहता है कि अगर कोई ऑफिस शिफ्ट uh, करना है कोई ब्रांच शिफ्ट करनी है सेम विलेज में सेम टाउन में या सेम सिटी में तो वहाँ पर आरबीआई की परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी लेकिन अगर उसके अलावा कहीं और शिफ्ट करनी है तो फिर आर की परमिशन जो है वो इसमें लगेगी तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो ए करेक्ट होगा सेम डिस्ट्रिक्ट यानी कि सेम अगर डिस्ट्रिक्ट में कर रहे हैं तब भी आरबीआई की परमिशन की ज़रूरत पड़ सकती है बट सेम सिटी टाउन या विलेज में कर रहे हैं तो वहाँ पर परमिशन की ज़रूरत नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन है द शेयर होल्डर ऑफ़ बैंकिंग कंपनी कैन एक्सरसाइज मैग्जिम डैश परसेंटेज ऑफ टोटल वोटिंग राइट्स ऑफ ऑल शेयर होल्डर तो बैंकिंग कंपनी के केस में जो वोटिंग राइट्स अगर एक्सरसाइज करने हैं किसी शेयर होल्डर को तो उसकी एक लिमिट लगा रखी है चाहे भले ही उसके पास कितने ही शेयर हो कितना भी स्टेक उसके पास हो बट वो मैक्सिमम जो अपने वोटिंग राइट right इस्तेमाल कर सकता है वो पर्सन वो दस परसेंट ही कर सकता है टेन परसेंट का उसमें कैप है उससे ज़्यादा वोटिंग राइट्स जो है वो पर्सन इस्तेमाल नहीं कर सकता तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिक्योरिटाइजेशन कंपनी कैन एक्वायर फाइनेंशियल एसेट फ्रॉम बैंक इन द फॉलोइंग मैनर तो साथियों जब बैंक जो, जो हैं वो सिक्योरिटाइजेशन कंपनीज़ को एसेट्स अपने बेच देते हैं जब स्पेशली जो वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं तो सिक्योरिटाइजेशन या एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ को वो जो एसेट्स हैं बैंक वो अपने दे देते हैं और उसके लिए जो कंपनीज़ हैं वो कैसे उनको एक्वायर करती हैं बाई इशूइंग डिचर और बॉन्ड बॉन्ड या डिवेंचर वगैरह इशू करने के बाद या फिर बाई इंटरिंग इंटू एन अरेंजमेंट विद द बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस तो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ वो किसी अरेंजमेंट में एंटर होकर भी जो एसेट्स हैं उनको एक्वायर कर लेती हैं तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है ए और बी दोनों ही इसमें ठीक हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूलेट्स द फिजिकल पॉलिसी इन इंडिया तो फ़िज़िकल पॉलिसी को कौन फॉर्मुलेट करता है इंडिया में फ़िज़िकल पॉलिसी साथियों क्या होती है जो भी अर्निंग्स हैं और जो ख़र्चा है कितनी अर्निंग्स होंगी और कितना खर्चा करना है और कहाँ खर्चा करना है ये सारी जो मैटर्स होते हैं तो इनके बारे में जो पॉलिसी बनती है उसको फिज़िकल पॉलिसी कहा जाता है तो इसको कौन डिसाइड करता है इंडिया में तो ऑप्शन है इसमें प्लानिंग कमीशन फाइनेंस कमीशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस तो ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ़ फ़ाइनेंस इसको डिसाइड करती है फिजिकल पॉलिसी मैटर्स को और आर जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करता है आपको पता होगा ये बात तो इसमें साथियों फाइनेंस कमीशन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो करेक्ट ऑप्शन है डी ऑप्शन करेक्ट है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ योर कस्टमर लॉस्ट द फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट इशूड बाई द बैंक टू ऑप्टेन अ डुप्लीकेट एफ डी ही नीड्स टू फर्निश अब कोई पर्सन है आपकी ब्रांच में जिसको एफ डी जिसने बनवाई है उसको रिसिप्ट आपने दी अब उसने क्या किया रिसिप्ट जो है वो खो दी अब रिसिप्ट खो दी तो डुप्लीकेट रिसिप्ट लेने वो अगर आया है बैंक में तो डुप्लीकेट रिसिप्ट देने के लिए आप किस चीज़ की डिमांड करेंगे क्यों क्या चीज़ आप उससे मांगेंगे तो ऑप्शन इसमें चार हैं तो ये देखते हैं ए है प्रोमिसरी नोट बी है अ गारंटी सी है अ लेटर ऑफ क्रेडिट या डी एंड इंडेमिनिटी बॉन्ड तो इसमें साथियों जब भी कोई डुप्लिकेट एफडी वगैरह जारी की जाती है या डीडी वगैरह दिया जाता है दोनों तो ही केसेस में इंडेमिनिटी बॉन्ड एक लिया जाता है कस्टमर से और इंडेमिनिटी बॉन्ड बेसिकली क्या होता है एक इंडेमिनिटी तो कहते हैं क्षतिपूर्ति तो उसका पर्पज़ यही होता है कि अगर हम आपको इशू तो कर रहे हैं बैंक अपने आप को सेफ साइड करता है और उसका मतलब यही है कि हमने आपको इशू कर दिया है डुप्लीकेट एफडी हम दे रहे हैं आपको बट इससे अगर कोई फर्दर फ्यूचर में अगर कोई गलत पाया जाता है कुछ नुकसान होता है तो उसकी ज़िम्मेदारी उसके जो नुकसान होगा क्षतिपूर्ति जो होगी वो आपको करनी होगी अगर कोई क्षति होती है तो उसकी पूर्ति आपको करनी होगी उसके रिलेशन में उससे बॉन्ड लिया जाता है इंडेमिनिटी बॉन्ड उसे कहते हैं ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैगजिम अप्लाइड इन रेस्पेक्ट ऑफ डायरेक्ट कोटेशन इज डैश तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं बाई लो सेल लो बाई लो सेल हाई बाई हाई सेल लो बाई हाई सेल हाई तो डायरेक्ट कोटेशन क्या होती है यहाँ पर बेसिकली जो बात कर रहे हैं वो फॉरेन एक्सचेंज की बात हो रही है यहाँ पर जो कोटेश कोट कोट किए जाते हैं रेट कोट किए जाते हैं अब उसमें दो तरीके होते हैं या तो डायरेक्ट कोट किए जाते हैं या इनडायरेक्ट कोट किए जाते हैं डायरेक्ट कोटेशन में जो है फॉरेन करेंसी के आ, त... सिंगल फॉरेन करेंसी और उसके टर्म्स में इंडियन करेंसी की वैल्यू कितनी है उसकी बात होती है जैसे कि एक डॉलर की कीमत वन डॉलर सेवनटी वन इंडियन रुपीज़ या सेवेंटी फोर इंडियन रुपीज़ इस तरह की जो रेट कोट किए जाएंगे वो डायरेक्ट कोट होंगे और इनडायरेक्ट कोट में इसके उल्टा होता है यानी कि वन रुपीज इक्वल टू पॉइंट इतने इतने इतने, इतने डॉलर्स तो उस तरह से होता है तो यहाँ पर बात कर रहा है डायरेक्ट कोटेशन की तो डायरेक्ट कोटेशन में क्या किया जाता है इसमें है बाई लो सेल है मतलब कम पे लो और ज्यादा पर बेचो तो ये मैक्सिम यहाँ फॉलो होता है डायरेक्ट कोटेशन में ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है नेक्स्ट क्वेश्चन है अब बैंक हैज लेंट रुपीज एट लैक टू अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी टू परचेज अ पिकअप बैन दे फोर द बैंक्स चार्ज ऑप्शन है इसमें रजिस्टर्ड विद आर स्लैश आर नीड नॉट टू बी रजिस्टर्ड विद आरोसी रजिस्टर रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल या डी है नन ऑफ दीज तो यहाँ पर साथियों जो आ, दो चीज़ों का ध्यान रखना है एक तो बैंक ने क्या है वहीकिल लोन दिया है वहीकिल लोन दिया है और किसको दिया है इंडिविजुअल को नहीं दिया है एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को दिया है और किस लिए दिया है ये बेसिकली बिजनेस पर्पज़ के लिए दिया गया वहीकिल लोन है अब इसीलिए यहाँ पर क्या होगा एक तो हम जो भी बैंक व्हीकल लोन देते हैं तो वहाँ पर जे बनती है ज्वाइंट आर जिसे हम कहते हैं आर में जाकर रजिस्टर्ड होता है उस रजिस्ट्रेशन उसका जब होता है आर में व्हीकल का तो उस पर आर पर नाम जो है वो बैंक का भी चढ़ाया जाता है वो हाइपोथिकेशन वहाँ पर होता है तो एक तो रजिस्ट्रेशन हो गया आर के पास वो हर एक व्हीकल लोन में होता है जिसको भी बैंक फंड करेगा अब सेकंड है क्योंकि ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में जो भी चार्ज उनकी प्रॉपर्टी पे उनके एसेट्स पे होते हैं उसको रजिस्टर कराना होता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ में यानी कि आरओसी में रजिस्टर उसको कराना होता है इसीलिए इस केस में जो पर्टिकुलर केस है जहाँ पर व्हीकल लोन बैंक ने दिया है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को एक वहीकल परचेज के लिए तो वहाँ पर रजि जो चार्ज होगा वो आर में भी रजिस्टर होगा और साथ ही आर में भी रजिस्टर होगा तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटीज़ आर तो ऑप्शन देखते हैं इसमें ए है टेक पोजिशन ऑफ द सिक्योर्ड एसेट ठीक है सेकेंड है टेक ओवर मैनेजमेंट ऑफ सिक्योर्ड एसेट सी है रिकवर ड्यूज फ्रॉम द डेप्टर्स ऑफ द बरोवर डी ऑल ऑफ दीज तो जो भी कोई सिक्योरिटीज़ हैं इन्फोर्समेंट उनका आ, किया जाएगा तो उसमें क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं या क्या क्या फीचर्स हैं उनके इम्पोर्टेंट तो ये चारों ही जो हैं वो तीनों ही जो सेंटेंस दिए गए हैं वो ठीक है तो ऑप्शन डी इसमें ऑल ऑफ़ दीज करेक्ट होगा कि उसमें जैसे कि टेक पोजीशन ऑफ द सिक्योरड एसेट तो जो सिक्योर्ड एसेट है उनका पजिशन लेना होगा उसके बाद में मैनेजमेंट जो होगा वहाँ पर उसका टेक ओवर करना उसका मैनेजमेंट अपने हाथ में लेना और ताकि उसके डिसीजन उसके बारे में ले सके जो लैंडर है या बैंक है नेक्स्ट है रिकवर ड्यूज़ फ्रॉम द डेप्टर ऑफ द बोरोवर तो जो उस पर्टिकुलर मान लीजिए किसी कंपनी का पोजीशन अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का फर्म का पोजीशन अगर बैंक ने या लैंडर्स ने ले लिया तो फर्दर उस कंपनी ने जिनको उधार दे रखा है मान लीजिए किसी को अपना गुड्स जो है वो बेच रखी हैं जो उनके ट्रेड रिसिवेबल्स हैं जो उनको लेने हैं किसी उस, किसी से तो वो सब रिकवरी जो करेगी वो बैंक फिर करेगा रिकवर करेगा ड्यूज़ किससे जो डेप्टर हैं उसके बोरो के यानी कि जिसको उसने उधार दिया है उसने किसको उधार दिया है उनसे जो रिकवरी होनी है वो भी बैंक ही करेगा तो यहाँ पर डी सही है ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वालिटेटिव कंट्रोल मेथड्स तो क्वालिटेटिव कंट्रोल मेथड्स में कौन कौन से आते हैं यहाँ पर क्वालिटेटिव कंट्रोल मेथड जो बात की जा रही है बेसिकली जो लोन्स वगैरह दिए जाएंगे या जो एडवासिस होंगे उनकी बात यहाँ पर हो रही है तो उसमें है मार्जिन्स सेकेंड है मैक्सिमम लिमिट ऑफ क्रेडिट फॉर स्पेसिफिक पर्पज थर्ड है डिफरेंशियल रेट ऑन सर्टेन टाइप ऑफ एडवांसमेंट फोर्थ है ऑल ऑफ दीज तो इसमें साथियों जो तीनों ही जो सेंटेंस हैं वो सही हैं यानी कि क्वालिटेटिव कंट्रोल करने के लिए एक तो मार्जिन रखे जाते हैं ताकि उसमें बरोवर का जो जो उधार ले रहा है उसका भी पैसा उसमें इन्वॉल्व हो मार्जिन वो खुद अपने पास से लेकर आए और जब उसका भी पैसा उसमें बिजनेस में लगा होगा तो फिर उसका इन्वॉल्वमेंट भी अच्छा होगा ये ऐसा माना जाता है सेकेंड है मैक्सिमम लिमिट ऑफ क्रेडिट फॉर स्पेसिफिक पर्पस किसी एक पर्पस के लिए किसी एक काम के लिए कुछ एक मैक्सिमम उसकी लिमिट सेट की गई कि उससे ज्यादा हम इस काम के लिए लैंड नहीं करेंगे थर्ड है डिफरेंशियल रेट ऑन सर्टेन टाइप ऑफ एडवांसमेंट तो अलग अलग तरह के इंटरेस्ट रेट होंगे कहाँ पर अलग अलग टाइप के जो एडवांसेस हैं कुछ एडवांसेस ऐसे हैं जहाँ पर बैंक का रिस्क कम है तो वहाँ पर थोड़ा जो रेट है इंटरेस्ट रेट उनमें सहूलियत दी जाएगी दूसरी तरफ कुछ एडवांसेस ऐसे होंगे लोन्स ऐसे होंगे जहाँ पर बैंक का रिस्क ज़्यादा है तो वहाँ पर जो है इंटरेस्ट रेट भी थोड़ा ज़्यादा रखा जाएगा तो ये तीनों ही सही हैं ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है ऑल ऑफ दीज नेक्स्ट क्वेश्चन है लेजिस्लेशन गिप्स विच बॉडी टू द पावर टू स्पेसिफाई अ कोड ऑफ़ कंडक्ट फॉर सर्वेयर एंड लॉस असेसर तो सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि इन सर्वेयर और लॉस असेसर इनकी ज़रूरत हमें कहाँ पड़ती है तो सर्वेयर कौन होते हैं जो सर्वे करने आते हैं लॉस असेसर जो नुकसान का अंदाज़ा लगाएंगे अब नुकसान का अंदाज़ा कौन लगाएगा कहाँ ज़रूरत पड़ेगी जहाँ वहाँ ज़रूरत पड़ेगी जहाँ पर इन्वॉल्व हो इंश्योरेंस का पार्ट तो ऑप्शन देख लेते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ इंश्योरेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट सेकंड है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी थर्ड है लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल फोर्थ है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से भी तो यहाँ पर जो है लेजिस्लेशन किस बॉडी जो है किस संस्था को इतनी ये शक्ति देता है पावर देता है कि वो कोड ऑफ कंडक्ट डिसाइड करें सर्वेयर और लॉस असेसर को तो ये जो अथॉरिटी है ये मिली हुई है इर्डा को इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी आई जो है उसको ये अथॉरिटी मिली हुई है कि वो कोड ऑफ कंडक्ट उनका तय करती है ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है तो साथियों इस वीडियो में इतना ही था आई होप कि वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे और पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें साथ ही शेयर करें हमारे सभी बैंकर साथियों के साथ जो जे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको टाइमली मिलती रहे तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में Thank you.